हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। मेरा नाम है आर्यन और कैसे हो आप सब। तो बात कर लेते हैं, एल्विश यादव और बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता के बीच में ऐसी कल क्या कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से ट्विटर पे सेम ऑन अमन गुप्ता एल्विश आर्मी की तरफ से ट्रेंड करने लग गया और साथ ही साथ बोट कंपनी की तरफ से एल्विश यादव के लिए माफी भी मांगी गई है। तो कंट्रोवर्सी को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोवर्सी की शुरुआत इंस्टाग्राम के एक अकाउंट सेंसिबली इनसेंसिबल की तरफ से एक वीडियो में एल्विश यादव को ट्रोल करते हुए नजर आए। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तेरा स्पीकर तो टूट गया, अभी तेरा एल्विश का गाना नहीं बज सकता, सॉरी यार। अरे मुझे तो अरिजीत का हिरी हिरी सुनना था। इस रील्स में बोट कंपनी को भी टैग किया गया जिसके फाउंडर हैं अमन गुप्ता। जी हाँ, इन्हें आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा। सेंसिबली इनसेंसिबल की तरफ से एक मैसेज दिया गया लोगों को, ब्लूटूथ स्पीकर लेने हो तो बोट कंपनी के लेना, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी। जिसका रिप्लाई देते हुए बोट कंपनी की तरफ से एक इमोजी शेयर किया गया है जिससे लगता है कि ये बोट कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं। इससे नाराज होते हुए एल्विश यादव ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया बोट कंपनी को टैग करते हुए। ये बहुत गलत तरीका है ब्रांड्स को प्रमोट करने का, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है, आप हमसे माफी मांगे। अदरवाइज मैं अपने एल्विश आर्मी को कहूंगा कि आपके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। इस पे फ्रंट पे आते हुए एल्विश आर्मी जिन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया कि सेम ऑन अमन गुप्ता, इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए बोट कंपनी की तरफ से एल्विश यादव को ट्वीट किया गया कि उस रील से बोट कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। इवन वो सारे क्रिएटर्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, साथ साथ एल्विश यादव की भी। के बाद एल्विश यादव ने उस क्लेरिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और एक मैसेज शेयर किया जिसमें लिखा था कि आपने जो इस मिस्टेक्स पे क्लेरिफिकेशन दिया है उस चीज की मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो प्रमोशन हो वो काफी पॉजिटिव वे में हो और सभी क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट की जाए। और उसके बाद एल्विश यादव ने एल्विश आर्मी तक को अप्रिशिएट किया। देखिए गाइस फिर क्या कहा। को भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देख रहा हूँ आजकल, आज मैंने जो ट्वीट डाला बोट वाला वो भी तुमने फाड़ ही दिया माँ की कसम, और बोट नहीं चला दी, उनका सॉरी वॉरी भी आ गया, उनका पर्सनल फोन भी आया कि ऐसा नहीं था, हमारा इंटेंशन नहीं था, ये था, सॉरी वॉरी मांगी उन्होंने। तो बहुत बहुत थैंक यू जो तुम इतनी मेहनत करते हो यार, पूरी रात जाग के। भाई ने भी बताया कि जो उस दिन वाला ट्रेंड आप लोगों ने कराया था वो, हाँ पूरी रात जागे थे, पूरी रात जागे थे सारे भाई, तो वर्ड्स नहीं मेरे पास कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, मैं थैंक यू ही बोल सकता हूं। तो चलिए गाइस अब तक की जानकारी में थी इतनी है अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड कर